वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे साथ दो गेस्ट हमारे मौजूद होंगे और टॉपिक आपको पता है कि हमारा टॉपिक है बहू और बेटियों में जो फर्क करती हैं ख्वातीन वो क्यों करती हैं, तो उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारे साथ जो माहिर मौजूद होंगे वो हमसे बातें करेंगे। इसके साथ ही साथ आपने करना क्या कि कॉल करनी है, स्क्रीन पे नंबर मौजूद होता है 02135890271 पे कॉल करें, डायरेक्ट उनसे बातें करें, हमसे बातें करें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें और उस मसले का हल निकालने की कोशिश करें। ना कि ये कि आप घर पर लड़ाई झगड़े कर रहे हो और जो सास अम्मा होती हैं वो ये समझती हैं कि बस बहू की तो बस करनी करनी है, आज मेरा बेटा है ना बताती हूँ उसको मैं कि तुम करती क्या हो होल डे घर पर। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह ना क्या करें। अपने घर का माहौल अच्छा बनाने के लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है, हमें बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बर्दाश्त क्या करें अपने घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए, और अपने घर में होता है ना कि खुशियों वाला माहौल होता है तो जो देखने वाले लोग होते हैं वो भी खुश होते हैं। इनके साथ ही साथ मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं कुरतुल एन जिब्रान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं ये, और इनके साथ ही साथ हमारे साथ हैं हुदा सोशल वर्कर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक। सबसे पहले तो आप दोनों ये बताएं कि बहू और बेटियों में जो फर्क होता है, ये टॉपिक सुनकर ही कुछ अंदर से हो जाता है ना कि यार ये डेली ये हर एक घर की कहानी है, कहते हैं ना कि कहानी घर घर की, तो ये वही वाली बात हो गई कि ये हर घर की कहानी है। हर घर में बेटी बेटा है तो बहू दामाद हर किसी का रिलेशन चल रहा होता है, तो बहू और बेटियों में क्यों फर्क करते हैं? सोशल वर्कर होने के नाते आप क्या बताती हैं, आप क्या देखती हैं ज्यादा हमारे माशरे में? जो मैंने ज्यादातर देखा है अपने माशरे में उसमें ये है कि खासतौर पर माएं सबसे पहले ये करती है कि उनकी बेटी बेटी है बस। हाँ। जब बहू आती है तो उसके साथ ऐसा बेटी डील नहीं कर रही होती, और कई बहुएं ऐसी होती है कि वो चाहती है कि हमारी जो सास है वो हमारे को माँ की तरह प्यार करे, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है पूरा घर छोड़कर आती है, अपना मायका छोड़कर आती है, पूरा खानदान, तो जाहिर सी बात है। और उसमें अब ये है कि अब जाती है वहां जाती है सास सही रवैया नहीं रखती है, या बेटियां जो नंदे होती है वो सही रवैया नहीं रखती है, तो बहुओं का थोड़ा सा माइंड खराब हो जाता है, और इस चक्कर में फिर घर के अंदर जो सारी बातें हो रही होती है वो भी खराब हो जाती हैं, और फिर घर का जो माहौल होता है मींस के हस्बैंड के साथ वो फिर थोड़ा सा उल्टा रवैया हो जाता है, और इस चीज का जो सारा जो ना प्रेशराइज क्या होते हैं, बच्चे प्रेशराइज होते हैं, जो मींस के छोटे बच्चे होते हैं वो जब अपनी पेरेंट्स में आपस में लड़ाई झगड़े देखते हैं तो उनका माइंड लेवल खराब हो जाता है। उनकी मेंटेलिटी क्यों खराब होती है और उसकी वजह से क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं तो वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जो चीजें ज्यादातर देखने में सामने आती हैं, जितने भी केसेस वगैरह आते हैं, लोग आके अपने मसाइल को डिस्कस करते हैं, उसके अंदर बेसिक चीज जो होती है वो एडजस्टमेंट के इश्यूज होते हैं कि आप एक पर्सन अपना घर छोड़ के दूसरी फैमिली के अंदर आता है, वहां की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, खाने पकाने का जायका अंदाज, फैमिली नॉर्म्स आपकी डिफरेंट है, उन चीजों की एक्सेप्टेंस के अंदर टाइम लगता है, और जो यहाँ फैमिली लेकर आती हैं तो वो उनका ये ख्याल होता है कि बस आते ही सब कुछ सेट हो जाएगा, तो वो सेट होने वाली चीज होती नहीं है उसमें, और बर्दाश्त डेफिनेटली दोनों तरफ से होनी चाहिए, और चीजों को इश्यूज को अगर आप सोचें थोड़ा सोचने का प्रोसेस जो है ना, जब कोई भी छोटी सी बातें होती हैं अगर आप उसको डिस्कस करें या देखें तो वो इतना बड़ा इश्यू निकलता नहीं है, और जब आप पिन पॉइंट करते हैं ना, अच्छा ये हुआ कैसे था, सीन क्या था, इतना बड़ा झगड़ा बन गया, तो वो बात निकलती नहीं है, और उसमें बाद में होता क्या है कि किसी का गुस्से का एलिमेंट होता है, किसी की टोन खराब होती है, किसी को कुछ अल्फाज ऐसे कहने की आदत होती है कि बस मुंह से निकल जाते हैं, हमने तो गुस्से में कह दिया, हमें पता ही नहीं चला, तो वो जो है वो एक बड़ा एक बॉम्ब बन जाता है। और घर के माहौल का भी डिफरेंस होता है ना कि बहू के घर का माहौल क्या था और बेटी का, तो ये चीजें भी आ जाती है। तो इसमें किनको ख्याल रखना चाहिए, सास को ख्याल रखना चाहिए या बहू को खुद एडजस्ट करनी चाहिए कि मेरे घर का माहौल ऐसा था बट मुझे यहाँ उस तरह से नहीं रहना है, मुझे इनके अकॉर्डिंगली रहना है क्योंकि इनके साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है? मेरे ख्याल से तो वो एक जो हम कहते हैं ना, हम शादी की तैयारियां तो हम बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है, सब कुछ हम कर रहे होते हैं, आजकल तो ये कोर्सेज भी चल रहे हैं जी, बहू जा रही है शादी से पहले आपको जी टेबल मैनर्स और ये सब कुछ आप सीख रहे हैं, आजकल चल रहा है, हम मीडिया में दिखा रहे हैं, लेकिन आई थिंक इससे पहले जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए ना, वो थोड़ी काउंसलिंग इस चीज पे भी होनी चाहिए कि अगर आगे जाकर इस तरह के इश्यूज आते हैं तो आपको हैंडल कैसे करने हैं, और जो फैमिली लेकर आ रही है थोड़ा उस तरफ भी ये चीज होनी चाहिए। दूसरा जो एक वो होता है ना पावर गेम, कि पहले मेरे पास पावर था, बेटा मेरी चीजें सुनता था, ये पावर गेम जो है वो बहुत चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं।
डेफिनेटली अब रिलेशनशिप डेवलप हुआ है तो उसमें वो पर्सन टाइम भी देगा, एक दूसरे को टाइम देंगे तभी समझेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो वो टाइम देने वाला अम्मा क्या चाहती कि बस मेरा ही टाइम है तो मेरे पास थी चेक मुझे पता। लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक दोनों को एक साथ देख, अब जैसे बहू है अगर वो नए घर जा रही है तो उसके अंदर भी थोड़ा सा ये होना चाहिए कि हम स्टार्टिंग या फिर मंथली ना कर दे कि एक मंथ अपनी बेगम को देना है, एक मंथ अपनी माँ को देना है, नहीं ऐसे नहीं कर सकते ना, गलत हो जाएगा। कुछ चीजें ये हो जाती है ना कि जैसे अब आपकी अपने कोई फ्रेंड भी आप कह रहे हैं, ठीक है, अब हम मतलब मतलब रूममेट कहे, अब एक साथ आप चीजें शेयर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप शेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि ऑफिस के इश्यूज पहले अम्मा के पास बैठ के खाना खाते थे, वहां डिस्कस करते थे, अब वाइफ को ज्यादा चीजें पता होती हैं, तो वो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनमें कोई इतनी बड़ी वो होती, मगर वो एक्सेप्टेंस के अंदर, एडजस्टमेंट में, और इन इश्यूज को सॉल्व कैसे करना है, उनको बैठ के अगर डिस्कस किया जाए तो वो चीजें सॉल्व हो जाती है। लेकिन आजकल का जो देखा जा रहा है, जो ना न्यू जनरेशन जो आती जा रही है, आजकल की सासें थोड़ी सी कोऑपरेटिव हो रही है बहुओं के साथ, कि अगर बहुओं को काम बाहर करना है तो चेंज हो चुका है, तो ये चीज अच्छी है कि बहुओं को समझ रही है, अगर बहू कुछ करना चाह रही है। एक्जेक्टली मैं भी ये कहना चाहती थी कि आजकल की जो सास अम्मा है वो बहुत ही अच्छी है, चेंज होते हैं, चेंज आ रहा है, बस वो ये कुछ थोड़ी रह गई पुरानी, नहीं मतलब हुआ ये ना कि उनके साथ जो हुआ है ना उनपे जो बीती है, वो ये नहीं चाहती है कि वही सब कुछ रिपीट करें अपनी बहू के साथ, फिर उनकी बहू भी उनके खिलाफ हो जाती है ना, क्योंकि आजकल की जो सास है वो भी लास्ट 20 ईयर्स पहले ही बहू बनी थी, जाहिर सी बात है उनपे जो भी बीती जितने भी यही अत्याचार किए जाते हैं, छोटी छोटी सासें भी आ रही है, छोटी छोटी आ गई है ना, छोटी छोटी सी उम्र में शादी कर रहे हैं, अब जैसे कि करी भी होती है तो अब छोटी छोटी सी उम्र में वो सासें सास बन जाती है। और चीजें अगर डिस्कशन कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप ना हो तो उससे चीज ये होती है कि जब आप डे टू डे अपने इश्यूज को आप डिस्कस करते हैं, जो भी आपके पास है, अगर बहू के पास उसकी कोई फ्रेंड है या आप अपने फादर से बहुत क्लोज हैं या किसी ऐसे पर्सन से जो कि आपको उसमें दरमियान में आके आप लोगों के इश्यूज को सॉल्व करवा सके, बजाय ऐसे कि आपका झगड़ा बढ़ाए, उसको समझने में आपको थोड़ी सी हेल्प कर सके। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं, ऐसा भी करते हैं ना कि किसी से अगर मैंने कुछ डिस्कस किया कि मेरे ससुराल में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे साथ ऐसा है, तो वो आपको काम डाउन करने के बजाय और ज्यादा भड़काएंगे और ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, ऐसा सब कुछ कहेंगे ना कि ठीक है देखो तुमने उस लड़की को देखा है उसने ऐसा किया था तो अब उसकी जिंदगी बड़ी आसान गुजर रही है। आजकल की फ्रेंड्स भी थोड़ी सी इस टाइप की, अगर अपनी फ्रेंड्स को आपस में डिस्कशन करें ना तो आगे से और भड़का रही थी मतलब अगर कुछ कोई तेल में ना वो घी का काम कर रही होती हैं, ये नहीं कि जले में नमक छिड़क, जले में नमक छिड़कना ऐसा करती हैं, तो ऐसे जितने भी नाज़रीन हमारे देख रहे हैं, ऐसी जो ख़वातीन होती हैं, ऐसी जो बहुएं होती हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी, जिनको आप देखिए कि वाकई आपकी फ्रेंड है, क्योंकि आपका जो फ्रेंड होगा ना वो हमेशा आपको बेहतर अच्छे मुफीद मशवरे देगा, वो कभी भी आपका घर और घराना ससुराल की तरफ से कुछ भी माहौल खराब करने कभी भी नहीं देगा। तो जब आप एक बार देख लें कि इस लड़की ने मुझे ऐसा मशवरा दिया था, दोबारा आप उसे अवॉइड करें, मशवरे ना लें। और सबसे बड़ी ये बात कि मशवरे लें सिर्फ अपने अपनों से, मतलब माँ बाप है, भाई बहन है, कुछ माएं भी तो ऐसी होती हैं, भड़काती हैं वो भी है, कुछ माएं भी ऐसी होती हैं है। तुम्हारी सास ने ऐसा क्यों कहा, मैंने तुम्हें इतने नाजों से पाला हुआ है, उन्होंने तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया, अब उनको ज्यादा सुना कराना, नहीं तो ये चीजें भी सही नहीं है। आजकल की जो ना माएं खास तौर पर बड़ा ये कर रही होती है अपनी बेटियों के साथ ही, यार आपको बेटी को अच्छा गाइड करना चाहिए, क्योंकि जाहिर वो नए घर गई है, उसको आप गाइडेंस अच्छी दो ना कि उसको और भड़काओ। नहीं, शादी की तैयारियां जब करवाती है ना तो पता है क्या करती हैं, कान में पहली बातें डाल देती हैं, कान में पहले बातें डाल देती हैं। और यार पता है होता क्या है, हुदा सबसे मेजर प्रॉब्लम है, डिजाइनर्स के कपड़े लेने हैं, ज्वेलरीज अच्छी लेनी है, सैंडल्स अच्छी लेनी है, और इन सारी तैयारियों पे एक साल लगा देती हैं, एक मंथ अपनी बेटी की तरबियत पे नहीं लगाती। बिल्कुल, अगर ये आजकल ऐसा हो जाए ना तो सीरियसली कोई लड़ाई ना, जो भी तुमने सब कुछ यहाँ किया है बेटा वो समझो ख्वाब था तुम्हारा, अब तुम्हें अपने असल घर जाना है, नए घर जाना है, तो वहाँ पर नई चीजें होंगी, उन्हें एडजस्ट कैसे करना है, इश्यूज आएंगे उनको किस तरह से हैंडल करना है, कुछ थोड़ा बर्दाश्त करना है। कब समटाइम्स ये भी होता है कि कुछ लोग बहुत बर्दाश्त कर रहे होते हैं, बात नहीं करते, पर्सनैलिटीज के भी आपके फैक्टर्स होते हैं कि आपकी सबमिसिव पर्सनैलिटी है, आपकी बहुत ही अग्रेसिव पर्सनैलिटी है, अगर आपको पता है कि आपकी बेटी बहुत गुस्से वाली है तो उसको समझाना है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, वहां पे ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है, अब हम हमारे घर में तो ये चीजें चल गई हैं, वहां पे ये चीजें नहीं चलेंगी, बिल्कुल। तो वो ये फैक्टर्स होते हैं जो सबमिसिव पर्सनैलिटीज हैं, जैसे जो डिस्कस नहीं करती हैं, जहां कम्युनिकेशन गैप होता है, बस अपने ही अंदर रखे जा रहे हैं, वहां पे डिफरेंट मसाइल जो है नफसियाती मसाइल वो जन्म लेते हैं, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं, फैमिली की कोहेसिवनेस खत्म हो जाती है, कुछ फैमिलीज के ही इस तरह के चीजें होती हैं कि
जैसे साथ बैठ के खाना नहीं खाना नहीं है, खाना है, अलग अलग खाना है, अलग अलग खाना है, कुछ फैमिली को पता ही नहीं है आजकल किचन एक होता है लेकिन बांट दो हिस्सों में जाता है। हाँ। कि बहू अपना बनाए सास अपना बना रही है तो ये चीजें सही नहीं है, ये चीजें बर्बादी की तरफ लेकर जाती हैं। बिल्कुल। अब बेटा एक है, अब जिस घरों में एक बेटे होते हैं वो बेचारा माँ कभी कमा के दे, बीवी कभी अलग करे, तो इस चीज से ज्यादा से बातें मिसहैप्स होते हैं। कम अज कम जो सास है और जो बीवी होती है, बेगमात जो होती है, उनको भी तो ये समझना चाहिए ना कि मेरा एक मियाँ वो आपस में बट कर रह गया है अपनी माँ के प्यार में भी मेरे प्यार में, क्योंकि वो बीवी से भी प्यार कर रहा होता है, अपनी माँ से भी प्यार करता है, तो वो ये समझते कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। अगर जिसकी माँ भी अच्छी हो बीवी अच्छी हो तो उसकी तो माशाल्लाह से फिर जिंदगी में ही मतलब जन्नत ही जन्नत है, सब कुछ है। तो मतलब मेरा ये मानना है कि जो माएँ होती हैं वो थोड़ा फिर भी कॉपरेट करती हैं, जब बहू आती है ना न्यू घर पे तो बहुत ज्यादा समझ रही होती है, बोल रही होती है, बट जो बहू होती है उसका क्या कहना ये होता है कि मेरे अकॉर्डिंगली सब कुछ होगा, मैं जो भी कुछ कहूँ वो होना अच्छा चाहिए। वैसे हम लोग सारा तो, बुरा जो ना हम बहू को भी नहीं कह सकते, हमारे बेटे भी बड़े खराब होते कहीं। अच्छा मतलब सास और बहू से हट के बेटों में भी बुराई होती है? वो क्या बुराई है? वो क्या बुराई नहीं, सीरियसली होती है कि कई होते हैं ना कि बहू मतलब माँ की बात सुन रहा होता है कि हाँ भाई, लेकिन बीवी से कंफर्म नहीं करता कि यार ये बात है कि नहीं, ऐसा है भी या तो नहीं ये है। चीज कंफर्म करनी चाहिए, अगर कोई लड़ाई हुई है घर में तो पहले बेटे को चाहिए कि दोनों को साथ सामने बिठा के बात करें। आमना सामना वो करना ही नहीं चाहती, मुज़ाकरात वो ही नहीं, वो चीज लड़ाइयाँ हो जाती है इस तरीके से, फिर हस्बैंड और वाइफ में फिर मिसहैप्स हो जाते हैं। तो ये भी आजकल के बेटे जरा छोटी छोटी चीजें बुरी लगती हैं तो उनको जमा करके एक कोई पहाड़ या एक बड़ा चीज ना बनाए, बम ना बनाए उसको, उसे डे टू डे डिस्कस कर लें, या वीकली अगर चीजें हैं तो उनको हैंडल कर लें कि इस तरह से बात हुई थी, ये मैंने इसको इस तरह से करना चाहा। अपने किसी अच्छे फ्रेंड से हम डिस्कस कर सकते हैं कि मैं अब तक इस तरह से चीजों को सॉल्व करती आई हूँ या कर रही हूँ, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज या जो भी चीजें हैं रिजल्ट उसके ये आ रहे हैं या ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं। कॉल भी लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं साहब? बिल्कुल ठीक। बहुत प्यारी लग रही हैं आप आज। थैंक यू। और आपका शो भी बहुत अच्छा चल रहा है। आपका जो टॉपिक है ना आज का, ये टॉपिक ऐसा है कि ये कहानी अदर से चलती आ रही है, ठीक है, हर घर की कहानी हो गई है। तो क्या वजह है, ये मैं मैम से पूछना चाह रही हूँ जो हमारी बैठी हुई है, तो क्या ये कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम होती है कि बहुओं या लड़कियों का शुरू से जहर होता है कि जनाब हमें अलग ही रहना है, या शादी के बाद वो फर्स्ट डे से उनकी सोच यही होती है कि अलग हो जाना है, या ये जो सास है ये सास ही है, और जो कमारी लड़कियां होती है उनके जहन में भी यही चीज चल रही होती है कि यार ससुराल जाएंगे तो ये होगा, या हमारे माशरे में ये इस तरह होता है कि माएं पहले से ही सिखा देती है कि ससुराल जाके तुम नाक कटवाओगी हमारी, या आप अगर घर में मौजूद हो तो ससुराल जाके आपके क्या रंग रंगेंगे, हम मतलब क्या मुंह दिखाएंगे आपके ससुराल वालों को। तो ये हमारी माओं की गलती होती है कि वो बच्चियों के जहन में ससुराल का होप डाल के रख देती है कम उम्र से ही। तो इस सिलसिले में मैं कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, क्या इसका कोई हल है या ये कहानी चलती रहेगी? नहीं जी, इसका बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा जबरदस्त हल है, वो भी हम आपको बताते हैं और आप देखते रहे, और थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओके जी, जैसे मैंने भी पहले कहा था कि कुछ पर्सनालिटी फैक्टर्स भी होते हैं कि अगर आपकी पर्सनालिटी घर से ही इस तरह की है कि आपकी लो सेल्फ स्टीम है, आप हर किसी के आगे बस छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देते हैं चीजों को समझ, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, छोटी छोटी बात पे रो देना, अपने इश्यूज को हैंडल नहीं करना, इतनी डिपेंडेंट पर्सनैलिटी उनके पेरेंट्स इनको बना दी होती है, तुम लड़की हो तुम ऐसे मत कहो, इस तरह से बैठो, ये मत करो, वो चीजें होती हैं, तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अपने इश्यूज को वो खुद से हैंडल कर सकें या उनको सॉल्व कैसे करना है, हर छोटी छोटी बात अपने पेरेंट्स तक लेकर आ रहे होते हैं कि वो लोग सॉल्व कर देंगे, या बड़ी बहनों से डिस्कस करना होता है, अच्छी बातें करनी अच्छा, चाहिए। वो स्टार्टिंग से जो माएं होती है ना बच्चियों को ओनरशिप नहीं देती है, वही चीज डिसीजन मेकिंग सिखाई जाए। बिल्कुल, कि आप नहीं कर सकती हो, आप छोटी हो, कोई भी ऐसी बात करे आप छोटी हो, आपको नहीं पता है, आप नहीं कर सकोगी, तो वो पता है इंसान खुद भी थोड़ा सा डिग्री नहीं कर सकने वाला जो वर्ड है ना, हाँ इसको चेंज होना चाहिए कि आप कर सकते हो, अचानक से नहीं कर सकती हो, नहीं कर सकती हो, जैसे ही उसकी शादी करवाइए 25 साल के बाद और अचानक से कहती कि तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम अपने ससुराल में आग लगा सकती हो, तो फिर वो लड़कियां बिल्कुल खराब हो जाती है। तो ऐसी माओं से मैं तो मेरी गुजारिश होती है हमेशा कि वो इस तरह की गलत बयानी करती हैं या गलत बातें सिखाती हैं, तो खुदारा अपनी बेटी का घर बर्बाद होने से बचाएं। सबसे बड़ा हाथ जो होता है ना वो माओं का होता है। बिल्कुल, ये दोनों तरफ से हम कह सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, हर घर की फैमिली की, हर घर की नॉर्म्स अलग अलग होती हैं।
कहानियां चीजें अलग अलग होती हैं। कुछ जो मदर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी फैक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि ये बहुत सामने आता है देखने में कि हम बड़े हैं तो हम गलती नहीं कर सकते, हम सॉरी नहीं कहेंगे, ठीक है, अगर हमसे कोई मिस्टेक भी हो गई तो हम सॉरी नहीं कहेंगे, चले आप सॉरी ना कहें, आप अंडू कर दें उसको, किसी को गले लगा लिया, प्यार कर लिया, कोई छोटी मोटी चीज आपने किने बना के खिला दी, कुछ कर लिया, उससे दिल बड़ा हो जाता है, दिल बड़ा हो जाता है, ठीक है। समटाइम्स ये भी देखा गया है कि लड़कियां अपना घर समझते हुए बहुत सारी चीजें कर रही होती हैं, ऐसे घर की सेटिंग चेंज कर दी, कुछ लेकर आ गए, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट, इसमें इश्यूज बड़े आ रहे होते हैं कि लो अब ये हमारे घर के अंदर आके चीजें करेंगी, ठीक है। अगर उसने खुद से कोई इवन की जैसे कि अब लड़कियां अपने जहेज में अगर कोई क्रॉकरी लेके जाती है, अगर वो चेंज कर देती है किचन में जाके, पुराने वाले पुराने वाले कार निकाल देते हैं, सारी लड़ाइयां शुरू हो जाती है इन चीजों के ऊपर। बड़ा हमें तो पुराने किसी पिटे में खाने की आदत थी, तुमने नए निकाल कैसे कि हमारे घर का रूल ये था, दिल है ना कि वो अपनी चीजें भी जस्ट किडिंग मतलब होता है ना कि वो समझ रही होती कि ये खूबसूरत बर्तन अगर मैं निकाल के सजा दूं इस पे हम खाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा, और कहीं कहीं ये भी होता है कि मेरे बर्तनों को हाथ क्यों लगाया, ये बहू का किरदार होता है, ठीक है जी, इस पे भी बहू का क्या किरदार होता है, सास अम्मा का क्या होता है, इस पे हम बातें कर रही हैं। अभी हो चुका है ब्रेक का टाइम, तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।